नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। उज्जैन महिला डिलीवरी सेंटर चरक भवन फिर विवादों में आ गया है। सोशल मीडिया पर एक तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। वीडियो में स्टाफ की महिलाएं किसी बात को लेकर आपस में झगड़ती हुई नजर आ रही है। अक्सर विवादों में रहने वाले जिला चिकित्सालय के समीप बने 5 मंजिला चरक अस्पताल में आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। वो जो है ठेकेदार की कर्मचारी हैं और भाइयाँ हैं, वो उनमें कुछ आपस में व्यक्तिगत कुछ रहा होगा, उसकी वजह से झगड़ा हुआ और हमने जो ठेकेदार हैं उनको बोल दिया है कि दोनों भाइयों को यहाँ से हटा दीजिए। उन्होंने बोला है कि वो हटा दिया है, शायद कल से नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, कुछ ना कुछ तो हर जगह चलता रहता है, लेकिन ये है कि सब लोग हमारी नज़र में हैं, कैमरे लगे हुए हैं, जाँच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसको बिल्कुल सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी करेगा। हाँ, छुटपुट घटनाएं तो सब जगह हो सकती हैं, वो शायद उनका कुछ आपस का ही वो है। ये इन दोनों का जो झगड़ा है वो रेफरल से नहीं जुड़ा है, जहाँ तक मुझे इसके संज्ञान लिया है। वो जो रेफरल का मामला है उसके लिए हमने जितने भी रेफर हुए हैं या जो लामा हुए हैं या जो चले गए हैं उनकी सबकी हमने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को लेके हम उनका जो है ऑडिट करेंगे कि कैसे गए। उन लोगों को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे कि भाई आप यहाँ आए तो यहाँ से आप दूसरे अस्पताल कैसे गए, किसके कहने से गए, या आपको क्या तकलीफ़ हुई, आप यहाँ से क्यों गए, किस कारण गए। तो वो चल रही है और प्रक्रिया, जो भी दोषी होगा उनको चिन्हांकित करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से खबर समय जगत के लिए रुपेश तिवारी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।